गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की तैयारी समीक्षा बैठक। कहा, विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करें भाजपा कार्यकर्ता, एक एक मतदाता तक पहुंचने का हो प्रयास, जीत हमारी ही होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने जीत के लिए दिया समन्वय और संपर्क का मंत्र। निजीकरण के विरोध में 5 अक्टूबर से विद्युत संघर्ष मोर्चा के कार्य बहिष्कार को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के आधाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। का विद्युत संगठनों से वार्ता कर बनाए आपसी सामंजस्य, विद्युत उपभोक्ताओं को ना होने पाए कोई दिक्कत। अवैध संबंधों के शक में पति ने की थी अपनी पत्नी की हत्या। पीपीगंज थाना क्षेत्र के रोहिन नदी बंधे पर 1 अक्टूबर को बक्से में मिली महिला के शव का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त बाइक व 3 मोबाइल किया बरामद। 5 अगस्त को गुलरिया थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का सीओ चौरी चौरा ने किया खुलासा। कहा, रुपये के लेन देन के विवाद में हुई थी हत्या, 1 अभियुक्त गिरफ्तार। बरामद हुए आला कत्ल हथौड़ी, चोरी के रुपये, मंगलसूत्र व मोबाइल। प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई विद्युत कर्मियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में रविवार को मिले 171 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,335, एक्टिव मरीज हुए 1889। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। रविवार को जनपद के 49 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, शामिल हुए 17,105 परीक्षार्थी, 18,877 ने छोड़ी परीक्षा। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। और महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक, बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा।